गया। इस दौरान कई लोगों को लोन दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कमी की है, उससे कर्ज सस्ते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों को निर्देश दिया है कि इसका सीधा फायदा जनता को मिलना चाहिए। मोदी सरकार ने निर्देश दिया कि सभी बैंक उपभोक्ताओं को हर स्तर पर लाभ दें। मोदी सरकार ने पिछले 4 महीनों में व्यापार और रोजगार को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 110 फैसले किए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि देश में छोटे बैंक का बड़े बैंक में मर्जर दोनों को काफी मजबूत करेगा। इससे बैंक का क्रेडिट मॉनिटरिंग भी अच्छी होती है। हमारे यहाँ देश में 27 बैंक थे मर्जर के बाद, जिनकी संख्या अब 12 है, जिसका देश में स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि आज के दौर में निवेश सबसे प्रमुख है। भारत में 2014 तक तो कोई आने को तैयार नहीं था। यहाँ पर टैक्स ज्यादा होने के कारण कोई नहीं आता था, पर मोदी सरकार ने उसको कम किया है। कर की दर कम होने से यहाँ व्यापार बढ़ रहा है, जिसके कारण देश में निवेश बढ़ रहा है। इस सप्ताह में बैंकों ने ग्राहक मेला शुरू किया है। ये बहुत अच्छी पहल है, जहां उस एरिया के सभी बैंक अपना अपना स्टॉल लगाते हैं, अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी देते हैं और ये एक ग्राहकों के साथ एक अनौपचारिक रिश्ता बनाने की ये पहल है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ।